हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमेश राजौरिया और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कूलॉम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम चार्जेस को पास पास लेके आते हैं उनके बीच में हमेशा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अगर चार्जेस सेम नेचर के हैं तो उनके बीच में हमेशा एक रिपल्शन फोर्स लगेगा और अगर चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो उनके बीच में हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। चार्जेस के बीच में लगने वाला ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये हमेशा उसी लाइन के अलोंग लगता है जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है और साथ ही दोनों चार्जेस पर लगने वाले इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। अगर हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो कूलॉम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला होगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। इसमें हम के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू एयर या वैक्यूम के लिए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर होती है। और यहाँ पर क्यू वन और क्यू टू का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस और R का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके चार्जेस के बीच में लगने वाले इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर पाते हैं लेकिन हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता। तो अगर हम कूलॉम्ब्स लॉ को यूज़ करके फोर्स के डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए हमको कूलॉम्ब्स लॉ को वैक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं हमारे पास में दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं क्यू वन और क्यू टू और इन दोनों चार्जेस को हमने किसी पॉइंट वन और टू पर रखा हुआ है। जो फर्स्ट पॉइंट है अगर हम इसकी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बताना चाहें तो इसके लिए हम ओरिजिन से इस पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और उस वेक्टर का नाम रखा जाएगा पोजीशन वेक्टर आर वन। तो ओरिजिन से फर्स्ट पॉइंट की तरफ जो वेक्टर ड्रॉ किया जा रहा है इसका नाम रखा गया है पोजीशन वेक्टर आर वन। और इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड पॉइंट की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बताना चाहूँ तो इसके लिए मैं ओरिजिन से इस सेकेंड पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा और इसको बोला जाएगा पोजीशन वेक्टर आर टू। ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इन दोनों चार्जेस की पोजीशन बताने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। अब जब भी हम कूलॉम्ब्स लॉ को लिखते हैं तो इसमें चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को भी लिखा जाता है। इसका मतलब आपको इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को भी कैलकुलेट करना होगा। अगर हम चार्ज क्यू वन से क्यू टू की डायरेक्शन में चलते हुए डिस्टेंस को मेजर करें तो इसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वन टू और इसके डायरेक्शन फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ होती है। और अगर हम सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ चलते हुए डिस्टेंस को मेजर करें तो इसे बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर टू वन और इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा सेकंड चार्ज से फर्स्ट चार्ज की तरफ। साथ ही हम इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम जानते हैं कि अगर चार्जेस का नेचर सेम होता है तो उनके बीच में हमेशा एक रिपल्शन फोर्स लगता है। तो मान लेते हैं दोनों चार्जेस सेम नेचर के हैं इसलिए इन दोनों चार्जेस को जॉइन करने वाली लाइन के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में इनके ऊपर एक रिपल्शन फोर्स वर्क करेगा। अब ये वाला जो फोर्स है ये फर्स्ट चार्ज के ऊपर लग रहा है दूसरे चार्ज की वजह से, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा F12। F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। और इसी तरीके से इस फोर्स को अगर देखा जाए तो ये सेकंड चार्ज पे लग रहा है और फर्स्ट चार्ज की वजह से लग रहा है, इसलिए इसका नाम रखा जाएगा F21, जिसका मतलब होगा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि इन फोर्सेस को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं कि मैं फोर्स F21 को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ तो इसके लिए मैं इसको लिखूँगा F21 वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन हम देख सकते हैं कि हमने इस डिस्टेंस को जो दोनों चार्जेस के बीच में इसको दो तरीके से लिखा हुआ है, R12 वेक्टर और R21 वेक्टर। तो इसमें हमको याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में ये फोर्स होगा जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इन दोनों में से उसको हमको यहाँ पर कंसिडर करना है। जैसे F21 के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है R12 वेक्टर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और डायरेक्शन बताने के लिए R12 वेक्टर के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरीके से अगर हम फोर्स F12 को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जाएगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन और इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये फोर्स है जो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर होगा वो होगा R21 वैक्टर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R21 वैक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू R21 केप, यानी R21 वेक्टर के यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि F12 वेक्टर के डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर पाएँ। साथ ही अगर हम इन R12 या R21 वेक्टर्स को
अगर पोजीशन वेक्टर आर वन या आर टू की टर्म्स में लिखना चाहें तो इसके लिए हम वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ यूज़ करेंगे। और वेक्टर एडिशन के ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल की दो कंटिन्यूस लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो थर्ड लाइन जो ट्रायंगल को कंप्लीट करती है वो अपोजिट डायरेक्शन में उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं आर वन टू वैक्टर को कैलकुलेट करना चाहूँ तो इस ट्रायंगल में मैं देखूँगा कि जो आर वन वैक्टर है और आर वन टू वैक्टर है वो दोनों कंटिन्यूस वैक्टर हैं, और साथ ही आर टू वैक्टर इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है और इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं आर वन वैक्टर प्लस आर वन टू वैक्टर, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बराबर होगा आर टू वैक्टर के। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम लिख सकते हैं आर वन टू वैक्टर इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन वैक्टर। इसी तरीके से अगर हम डिस्प्लेसमेंट वैक्टर आर टू वन वैक्टर को लिखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जो आर टू वैक्टर और आर टू वन वैक्टर हैं वो कंटिन्यूस वैक्टर हैं, और थर्ड लाइन जो ट्रायंगल को कंप्लीट कर रही है वो है आर वन वैक्टर और वो अपोजिट डायरेक्शन में भी है। इसका मतलब ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो हम लिख सकते हैं आर वन वैक्टर इक्वल्स टू आर टू वैक्टर प्लस आर टू वन वैक्टर। और इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है आर टू वन वैक्टर इक्वल्स टू आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर। तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके से हम कूलम्ब्स लॉ को वैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, इन यूनिट वेक्टर्स का मतलब होता है किसी भी वेक्टर को अगर हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उससे हमको उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि मैग्नीट्यूड वन होता है, और उसकी डायरेक्शन हमेशा जिस वेक्टर का वो यूनिट वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में होती है। तो जो फोर्सेज की डायरेक्शन है उनको इन यूनिट वेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।